सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है होमवर्क, अब दिस टर्न इज टू गिविंग होमवर्क, होमवर्क देने का टर्न है। सो मैंने कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, फिल इन दी ब्लैंक्स है आपको। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं, आप उसी वर्ड्स को उसमें से चूज करके एक मतलब प्रीपोजिशन बाय साइड पे दिया हुआ है, उस प्रीपोजिशन से मैं इसे एक टिक करके आप यहाँ पास फिल करेंगे। द बॉयज आर, द बॉयज, ओके ये बॉयज है ना, द बॉयज आर रीडिंग ब्लैंक दी क्लास, इन टू द क्लास या इन द क्लास, ये आपको डिसाइड करके यहाँ लिखना है। वैसे ये 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये 10 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आप ये 10 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ताकि कोई अगर स्पेलिंग समझना है तो आपको समझ में आ जाए। ये ब्लैंक्स को फिल करना है किसमें चूज करके, ये जो दिए हुए हैं ना आपके वर्ड्स जो दिए हुए हैं, जो प्रीपोजिशन साइड पे ब्रैकेट पे दिए उससे चूज करना है। द बॉयज आर रीडिंग ब्लैंक द क्लास, इन टू द क्लास या इन क्लास, आपको अप्रोप्रिएट मतलब जो सही लगे वो वर्ड, वो प्रीपोजिशन आप फिल करना है। नेक्स्ट जो है, द गर्ल्स आर सिटिंग ब्लैंक देयर चेयर, ऑन दी, ऑन देयर चेयर या ऑन एट चेयर, ये आपको देखना है। सॉरी, सिटिंग एट दी, एट देयर चेयर, ऑन देयर चेयर, क्या लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। द ट्रेन स्टॉप्ड ब्लैंक द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म या एट द प्लेटफॉर्म, ऑन या एट यहाँ फिल करना है। आई बॉट दिस पेन ब्लैंक 2 rupees, विथ 2 rupees, फॉर 2 rupees। मदर इज angry blank you, to you, with you, जो भी आपको समझ में आए। नंबर सिक्स, he is afraid blank his father, for his father, of his father, जो भी लिखेंगे। नंबर सेवन, she came blank 7 o'clock, 8 o'clock, 8 7 o'clock, on 7 o'clock, आप देख के आप समझ के लिखेंगे। पिछला आप जो चैप्टर जो हमने डिस्कशन किया उसके ध्यान सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। माई मदर्स लुक ब्लैंक हर चिल्ड्रन, फॉर हिज, फॉर हर चिल्ड्रन या आफ्टर हिज हर चिल्ड्रन। ही लिव्स ब्लैंक मुंबई, इन मुंबई, ऑन मुंबई या एट मुंबई, ठीक है। ही फेल ब्लैंक द रिवर, इन द रिवर, इन टू द रिवर, ठीक है। तो देखिए, इन मतलब अंदर होना, और मतलब कमरे जैसी जगह पे इन होना, पर इन टू का मतलब होता है किसी जैसे नदी जैसी जगह में अंदर होना, ठीक है। नदी से निकलना या नदी में जाना इनटू कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग को आई होप ये समझ आ जाएगा और ये आप होमवर्क कर लेंगे। एंड अगर कोई तरह की भी क्वेरीज हो या फिर किसी तरह की डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन स्टे सेफ, एंड actually you have to note down all this thing in your notebook, that will be your class work। आपको ये जो आपके जो हमने अभी discussion किया इसे अपने notebook में note down करेंगे और आप ये homework करेंगे, and this will be your homework, this homework will be your homework। so keep doing your homework and class work and keep sending, and we'll meet in our next class। so till then stay safe, stay blessed and be careful, have a nice day।